विद्यार्थियों, आज हम आपकी जिन दो रागों की चर्चा कर रहे हैं वो है कामोद और छायावन। आज हम इसका तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। इन दोनों रागों की तुलना करने से पूर्व पहले हम इन दोनों रागों के बारे में अलग अलग जानते हैं। पहले हम चर्चा कर रहे हैं कामोद राग की। कामोद जो है ये कल्याण थाट का राग है। इस राग में दोनों मध्यम और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं और दोनों मध्यम के प्रयोग में ये बात उल्लेखनीय है कि तीव्र मध्यम का प्रयोग शुद्ध मध्यम की अपेक्षा कम होता है और केवल आरोह में होता है और वो भी आरोह में किया जाता है, जबकि शुद्ध मध्यम आरोह अवरोह दोनों में ही प्रयुक्त होता है। इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। वादी स्वर इसका पंचम और संवादी जो है वो रे है और गायन वादन का समय इसका रात्रि का प्रथम पहर माना जाता है। इस राग के आरोह में नी और अवरोह में ग जो है इन दो स्वरों को वक्रत्व प्राप्त होता है, यानी ये दोनों स्वर वक्र प्रयुक्त होते हैं। और यही नहीं बल्कि आरोह में नी जो है अत्यंत दुर्बल है और अवरोह में गंधार जो है थोड़ा दुर्बल लगता है। कामोद जो है एक ही पूर्वांगवादी राग है। इस राग में रे से जब एकदम पाप जब पर जाया जाता है रे प, तो यहाँ एकदम से रे प ग म रे स रे प, इससे ये तुरंत ये राग पता चल जाता है कि ये कामोद है। इस राग में कभी कभी अवरोह में कोमल निषाद जो है विवादी स्वर के नाते लिया जा सकता है और हमीर केदार और छाया नट के समान इस राग में ग और नी को वक्र के दोनों को वक्रत्व प्राप्त होता है। इसका आरोह है सा रे प म प ध प नि ध सा नि ध प म प ध प ग म रे सा, इस तरह से ये राग चलता है। अब जो है दूसरा राग जो हम ले रहे हैं वो है छायानट। कामोद की भांति छायानट भी जो है वो कल्याण थाट का राग है और इसकी भी जाति संपूर्ण है। इसमें जो लगने वाले स्वर हैं इसमें भी जो है दोनों मध्यम प्रयुक्त होते हैं और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं और दोनों मध्यम में भी वही नियम है कि तीव्र मध्यम जो है वो शुद्ध मध्यम की अपेक्षा कम और आरोह में प्रयुक्त होता है, जबकि शुद्ध मध्यम जो है आरोह अवरोह दोनों में ही लगता है। और इस राग का वादी स्वर पंचम, संवादी ऋषभ है। कुछ विद्वान इसमें ऋषि रे को वादी और प को संवादी मानते हैं, परंतु अधिकांशतः प रे को ही वादी संवादी मानते हैं। और इस राग के गाने बजाने का समय भी रात्रि का प्रथम पहर माना जाता है और ये भी पूर्वांगवादी राग है। और इस राग के आरोह में नी और अवरोह में ग स्वर जो है वो वक्र होता है और आरोह में नी भी जो है वो जैसे वक्र स्वर आता है गा गा म प नी ध सा, इस तरह से जाता है और अवरोह में ग रे ग म प म ग म रे सा। अच्छा, इस राग में रे ग म प इस तरह की जो सरसंगति है ये जो है सर समुदाय जो है इसमें प्रयुक्त होता है जो कि नट अंग का है। और इस राग में प रे की संगति जो है वो बहुत कर्णप्रिय और अति मधुर लगती है। धा धा पा पा रे ग म प परे रे, इस तरह की जो स्वर संगति है प से रे पर जब आया जाता है तो तुरंत ये राग एकदम से साफ नजर आता है और इसलिए इसका आरोह जो है वो जाता है सा रे ग म प नि ध सा नि ध प म प ध प ग म रे सा परे, इस तरह से जो है ये छायानट जो है
चलता है। तो ये तो इन दो रागों का परिचय था। अब हम इन दोनों को तुलना करें कि देखिए समानता दोनों रागों की यह है कि दोनों ही राग जो है वो कल्याण थाट के राग हैं। दोनों रागों का वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर रे है, पा वादी और रे संवादी है। तीसरा, दोनों रागों में दोनों मध्यम और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। चौथा, दोनों रागों का गायन वादन का समय रात्रि का प्रथम पहर है। और पांचवा, दोनों की जाति जो है वक्र संपूर्ण है। और छठा, कि दोनों ही राग के अवरोह में विवादी स्वर के रूप में कभी कभी कोमल निषाद का किंचित प्रयोग कर लिया जाता है। साधनी प यहाँ पर कोमल निषाद का थोड़ा प्रयोग हो जाता है। दूसरा, दोनों रागों के आरोह में निषाद तथा अवरोह में गंधार, ये स्वर वक्र होते हैं। और दोनों ही रागों के आरोह में मापधप निधसा इस प्रकार का स्वर समूह जो है प्रयुक्त होता है। तो ये तो इन दोनों रागों की समानताएं थी, यानी दोनों रागों का थाट एक है, वादी संवादी, उनके स्वर, उनका गायन वादन समय और जो स्वरों का लगाव में है कि जाति, और ये सब जो है काफ़ी कुछ जो है इन दोनों रागों में समानता है। पर विभिन्नता ये है कि कामोद जो है उसका वादी संवादी जो है परे जो है सर्वसम्मत है, परंतु इसके विपरीत छायानट में कुछ लोग रे और पावादी समाधि भी मानते हैं। दूसरा, कामोद राग की जो सत्संग उसमें मुख्य है वो रे प की संगति है, जबकि छायानट में इसके उलट प रे की संगति आती है। इसी तरह से कामोद राग में विवादी स्वर के रूप में कोमल निषाद का प्रयोग धानी प इस स्वर समुदाय के रूप में होता है, और छायानट में मानी धा प इस स्वर समुदाय से कोमल निषाद का प्रयोग लिया जाता है। फिर कामोद के आरोह में रे रे इस स्वर संगति द्वारा गंधार और मध्यम का लंघन किया जाता है, परंतु इस तरह से ये जो है छायानट में नहीं। तो छायानट में जो मुख्य उसका एक स्वर प्रयुक्त होता है, जैसा स्वर समुदाय मैंने आप बताया कि रे ग ग म म प रे ग म प इस तरह की जो स्वर संगति है वो छायानट में प्रयुक्त होती है। और ग म प ग म रे स रे फ ये जो है ये कामोद की पहचान है, और यहाँ छायानट में रे ग ग म म प रे इस तरह से जो है छायानट में आता है। इस तरह से ये दोनों राग एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये इनकी साम्यता और भिन्नता है। थैंक यू।